स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 5, 25, 125 से गुणा करना हो किसी भी नंबर से तो आप किस तरीके आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यही बताऊंगा आज। देखिएगा, आपको मान लीजिएगा 7, 3, 1, 2 की अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो हम किस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सेकंडों में हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या ट्रिक अपनाएंगे, आप 7, 3, 1, 2 के लिए जस्ट ऐसे ही लिखना है आपको, इस 5 के लिए हमें 10y2 कर देना है। अब आप जानते हैं 10 की हम आसानी बिल्कुल आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे किसी नंबर से, तो उसमें 0 है वो 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 7, 3, 1, 2 में 0 इसमें जुड़ गया। अब आपसे 2 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है 2 से किसी भी नंबर की हम डिवाइड करते हैं तो वह आसानी से कर लेते हैं। देखिए, 2, 3 जा 6 1 बचेगा, 2, 6 जा 12 1 बचेगा, 2, 5 जा 10 फिर वह आपका 1 था 1, 2, 6 जा 12 0 आपका हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से इतने बड़ा नंबर की 5 से हमें मल्टीप्लाई करनी हमने आसान बना लिया इसको। इसी तरीके से हमें दूसरा देख लीजिएगा, अगर हमें मानो 3, 7, 8, 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 25 से करनी है, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 3, 7, 8, 1। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको ये देखना है, जीरोस में देखना है किस नंबर से हम डिवाइड करें ये जो जीरोस में आता हो। जैसे कि आप जानते हैं 25 को 100/4 लिख सकते हैं, 4 को जब 100 से 4 से डिवाइड करेंगे आप तो 25 आएगा। तो आप जानते हैं किसी नंबर की अगर मल्टीप्लाई अगर जीरो से होती है तो सिर्फ इसमें 0 जुड़ जाते हैं। तो 3, 7, 8, 1 100 से करेंगे तो 2 0 इसमें जुड़ गए। अब आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना अब आसान काम है, आप आसानी से कर लेंगे। अब 4, 9 जा 36 1 बचेगा, 4, 4 जा 16 बचे यहाँ पे 2, 21 4, 5 जा 20 अब यहाँ पे बचा 10 4, 2 जा 8 बचेंगे कितने 2 यानी कि 4, 5 जा 20। तो देखा आपने हमने 25 से भी कितनी आसानी से मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब देखिएगा 6, 3, 8 की मल्टीप्लाई अगर 1, 2, 5 से करेंगे, आपने देखा 6, 3, 8 की 1, 2, 5 से, इसे ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, बहुत ही कठिन काम होता है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेकंडों में निकालना होता है। तो इसलिए आपको देख रहा है 6, 3, 8 आप जानते हैं इस 25 के लिए 1, 2, 5 के लिए 1000/8 कर देंगे। जब आपको पता है हमने 1, 2, 5 को 1000/8 लिख लिया, 6, 3, 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 6, 3, 8 3 0 हैं वो इसमें जुड़ गए। अब आपको सिर्फ 8 से डिवाइड करना है। पर बच्चों आप जानते हैं 63 से 8 के टेबल में कम कौन सा आता है, 8, 7 जा 56 आप जानते हैं कितने बचे, 7 बचा यानी कि 78 हो गया, 8, 9 जा 72 यहाँ पे बचा 6 यानी कि 60 हो गया, 8, 7 जा 56 यहाँ पे बचा 4 यानी कि 40 हो गया, 8, 5 जा 40 0 इसमें वैसे जुड़ गया। तो देखा आपने प्यारे बच्चों कितने आसानी से हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, 5, 25, 125 से अगर गुणा करनी हो तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है ये। इस ट्रिक को अपनाएंगे तो वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना समय बचा पाएंगे। थैंक यू।